ब्रेक के बाद रूबरू में अमित भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि क्या उद्देश्य है आपका डांस को लेकर, तो इस बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। और मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि हिमाचल का जो हमारा एक पहाड़ी नृत्य है, नाटी वगैरह जो हमारी होती है, तो उसको लेकर आपकी क्या सोच है? मैम, जो देखा जाए जो हमारी नाटी है वो हमारा कल्चर है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। हमारे जहाँ भी जितने भी शो हुए हमने सबसे पहले वो किया है। मैंने नाटी को थोड़ा सा एडिट किया है, उसमें हल्का सा हिप हॉप स्टाइल डाला है और थोड़ी सी एनर्जी, वो हम लोगों को जरूर दिखाएंगे और शायद उससे बाहर के लोग भी पसंद करें। जी जी, तो उसमें क्या आप ऐसा वो करें, क्योंकि नाटी अगर मैम देखो नाटी सेम वही है, उसमें हल्का सा स्टाइल चेंज किया हमने, हल्की एनर्जी, जैसे हमारी नाटी तो थोड़ी स्लो में होती है, हमने हल्का सा उसे फास्ट किया है और थोड़ी सी उसमें एनर्जी लगाई है। हमारा जो पहाड़ी कल्चर है बहुत ही रोचक है। बहुत रोचक है जी। तो इस पहाड़ी कल्चर को अगर हम बात करें मुंबई की, अगर तुलना की जाए तो मुंबई की तुलना में कहाँ ये स्टैंड कर रहा है? मैम एक बात देखी जाए, मुंबई की तुलना में काफी हद तक स्टैंड है। मुंबई एक आर्टिफिशियल लाइफ है, वहाँ पे हम जीते नेचुरल लाइफ। अगर हमारी नेचुरल लाइफ नहीं तो शायद लोग बाहर से यहाँ ना आते हैं। इसीलिए हमारा मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है मुंबई के लेवल से काफी ऊपर है हिमाचल का। जी, एक वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ से अगर बात करें, मैं फिलहाल थोड़ा सा आपको आपके विषय से भटका रही हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ, अगर मंडी की ही बात करती हूँ, मंडी जिला की एक हमारी हीरोइन कंगना रनौत, पता है कि उसकी वजह से हिमाचल का स्टैंड हुआ है? मैम स्टैंड तो ओवर, जब मैंने कंगना की इंटरव्यू देखी मुझे बहुत दुख हुआ था। वैसे बेसिकली वो मंडी से हैं, वो बोलते नहीं है, नहीं बोलते मैम, बहुत गलत बात है। अब हम जहाँ पे जन्म ले रहे हैं हम उसकी वो नहीं करेंगे, मैम मेरे ख्याल से बहुत गलत है। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है, मैंने उनकी इंटरव्यू देखी थी, बोलते कि फ्रॉम मनाली, मनाली में इसलिए बोला बिकॉज मनाली ऑल ओवर वर्ल्ड में आई थिंक टॉप 10 में चल रहा है, तो उन्होंने तब जाके बोला था, वैसा नहीं करना चाहिए। नहीं, बेसिकली जहाँ के हैं वहाँ के, मानो अगर आप सुपरस्टार हैं, हाँ जी आप सुपरस्टार हो, मतलब इस वक्त तो आप हैं, लेकिन मैं अगर हम बात करती हूँ, खुदा ना खास्ता कल आप भगवान करे आप बहुत अच्छे सुपरस्टार बन जाए, और आपको क्या मंडी बोलते हुए शर्म महसूस होगी? नहीं मैं मंडी छोड़ो, मैं अपने गाँव का नाम ले लूंगा, मैं जहाँ से हूँ। जी ये बात नहीं होती, मैं जरल सिंह हूँ, सुंदरनगर। जी तो आप कितने साल के हैं? 24 इतनी कम साल में आप कोरियोग्राफर बन चुके हैं, और आपकी जो सोच है हिमाचल को आगे ले जाने की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, आई थिंक मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनकी ये सोच है, पर कुछ एक लोग बीच में आते हैं वो काम खराब करते हैं। जैसे हमारा तो बहुत कुछ हुआ, अकेडमी खोली तो पीछे वैसे रूमर फैल रखी, यार इसकी अकेडमी में लड़की आ रही है, लड़के आ रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं। तो जब मैं अकेडमी खोल रहा था तब लोगों ने कहा कि एक्चुअली पहले मैं चंडीगढ़ होता था, जब यहाँ पे आया तो हमारा काम घूमना होता था, जो सभी का होता है, हम घूमते रहते गाड़ियों में। तो फिर लोग बोलते, जब मैंने अकेडमी ओपन की, बोलते कि यार इसने अकेडमी खोली, हम लड़के कैसे भेजे, तो ये लोग तो घूमते फिरते रहते थे। तो फिर जब स्लो स्लो हमने उनको अपना काम बताया कि हमारा काम क्या है, अब वही लोग अपने बच्चे हमारे पास भेज रहे हैं और उन्हीं बच्चों को हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अगर एकेडमी की बात है तो अगर यहाँ मंडी में भी बहुत सारी एकेडमीज है जिन्होंने डांस करवा रही है, काफ़ी अच्छी है, और आपको लगता है कि उनको आप पीछे कर पाएंगे और आपकी एकेडमी बढ़ पाएगी आगे? मैम ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि डांस चीज़ ऐसी है कि उसमें हर एक बड़ा सा बड़ा डांसर बैठा होता है, अगर हम बोले कि मैं अच्छा डांसर हूँ तो ये गलत होगा, डांसर्स बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे बैठे हैं। तो हमारी ट्राई है मैम ऐसे कि मैं नहीं चाहता कि वो भी पीछे हो, मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिल बांट के काम करें, जो हमारे अच्छे बच्चे हों आगे लेके जाएं। यानी आप ये कहना चाहोगे कि आप कलाकारों से नहीं कला से प्यार? कला से भी, यस मैम। यानी कलाकार अलग है अपनी जगह है और कला अपनी जगह है। यस मैम, यानी कला को बढ़ावा देना, कला को बढ़ावा देना चाहते हैं जी, ये नहीं कि हमारा नाम चले और हम आगे जाएं, हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग आगे जाएं, चाहे वो किसी भी एकेडमी से हो। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पे फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।